गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट SST पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की हमने वन वीडियो हमने पढ़ी है, वीडियो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरलिज्म का पढ़ा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की क्या डेफिनेशन है कंपेयर टू द टू केस स्टडी ऑफ द श्रीलंका एंड द बेल्जियम कंट्री अकॉर्डिंग टू our NCERT textbooks. Now we discuss topic key features of federalism. आज हम जो discussion करने जा रहे हैं वे key features of the federalism, कि federalism की क्या क्या features होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस कंट्री को हम फेडरलिज्म कंट्री कहेंगे या ऐसे कौन सा कंट्री जिसको हम यूनिटरी कंट्री बोलेंगे। तो यूनिटरी कंट्री और फेडरलिज्म कंट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने फर्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया कि क्या तो आपका फेडरलिज्म है और क्या आपका यूनिटरी जो गवर्नमेंट है उसको हमने बताया। आज हम फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कि हमारे कंट्री की या हम कह सकते हैं कि एक जो संघीय शासन व्यवस्था है, एक जो संघात्मक जो देश है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, नाउ वी डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म पढ़ेंगे। नंबर 1, देयर आर 2 or more लेवल और टीयर्स ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। फर्स्ट इसकी जो विशेषता है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है फेडरलिज्म की, कि फेडरल गवर्नमेंट किसे कहेंगे, फेडरलिज्म गवर्नमेंट उसे कहेंगे कि देयर आर 2 or more लेवल, ऐसी सरकार जिसके 2 या 2 से अधिक लेवल होंगे या टीयर्स होंगे। टीयर्स मीन्स स्तर, 2 या 2 से अधिक जिसके स्तर होंगे उसको हम फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स बोलेंगे, फेडरल सरकार बोलेंगे। जैसे 2, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जैसे किसी कंट्री में 1 गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स है हॉल कंट्री के लिए, और वे कंट्री स्टेट्स में या रीजन या प्रोविजन कह सकते हैं, प्रोविंशियल्स प्रांत, प्रांतों में बटा हुआ है, तो उसमें अगर हम पावर्स को डिवाइडेड कर देंगे तो उसे हम कहेंगे सेकंड उसका स्तर, सेकंड टीयर्स। और उस स्टेट या प्रोविंशियल से भी नीचे अगर हम थर्ड लेवल में पावर्स को बांट देंगे तो उसको यानी कि मोर देन लेवल्स, उसके 2 से अधिक उसके लेवल्स होंगे। इंडिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज। हमारा जो भारत देश है इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है फेडरल गवर्नमेंट्स का, जहां हमारे फेडरल फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स है, कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड अलग अलग स्टेट में, जैसे हरियाणा राजस्थान पंजाब गुजरात में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, और तीसरी जो गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या पंचायत राज, वे इसका लेवल है। तो ये क्या हो गया, मोर देन 2 or more लेवल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 2 गवर्नमेंट है तो 2 लेवल्स हो गए, और जब उसका थर्ड
प्लेयर स्कोर आ गया तो उसे हम मोर लेवल्स बोलेंगे। इसी प्रकार से एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम में, तो बेल्जियम के अंदर एक बेल्जियम की एक होल कंट्री की गवर्नमेंट थी जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा गया, दूसरी रीजनल गवर्नमेंट थी जो स्टेट के लिए बनाया गया था, और थर्ड एक गवर्नमेंट और बनी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वे कम्युनिटी गवर्नमेंट एक उसका थर्ड लेवल था। तो इट्स मीन्स टू और मोर देन लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स दैट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स। क्लियर। नंबर टू, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ऑन jurisdiction, jurisdiction regarding legislature, taxation and the administration. Different types of government, अलग अलग जो different tiers of governments, different levels of governments have their own jurisdiction. Jurisdiction को कहते हैं हम क्षेत्राधिकार। Jurisdiction mean होता है क्षेत्राधिकार, कि किसका किसके ऊपर क्षेत्राधिकार है, अपना राइट्स बनता है, उसे हम कहते हैं क्षेत्राधिकार। तो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑन ज्यूरिडिक्शन, अलग अलग लेवल की जो सरकार है उनका अपना स्वयं का एक क्षेत्राधिकार होता है, अपना अधिकार होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है तो वे पूरे हॉल कंट्री के लिए होती है, उसका कुछ उसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइडेड कर दिए जाते हैं जिसके ऊपर वे लॉज मेकिंग करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं और उसका इम्प्लीमेशन करते हैं। इसी प्रकार से कुछ राइट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए एक पॉलिसी बनाती है उस स्टेट को अच्छा चलाने के लिए। तो उनका जो ज्यूरिडिक्शन है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स का है उसका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग ज्यूरिडिक्शन क्षेत्राधिकार होता है। साथ में उसके जो रिगार्डिंग जैसे लेजिस्लेचर है उनके कानून बनाने के अधिकार भी अलग अलग है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया है भारत में, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा या राजस्थान स्टेट्स या गुजरात स्टेट्स है, यहाँ की जो लेजिस्लेचर असेंबली है वे केवल अपने स्टेट के लिए रूल रेगुलेशन का निर्माण करती है। तो वह लेजिस्लेचर और टैक्सेशन जो कर लगाती है, कर एक कंट्री के लिए कर का अलग होता है कि कंट्री अपने होम कंट्री के लिए किस प्रकार से टैक्स लगाएगी, और एक स्टेट जो आपका प्रोविंशियल है या रीजनल है वे अपने क्षेत्र में अलग टैक्स लगाएगी, और अलग अलग लेवल्स की अपनी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक गतिविधियां होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑन ज्यूरिडिक्शन, कि अलग अलग ज्यूरिडिक्शन की जो गवर्नमेंट, अलग अलग जो लेवल की जो गवर्नमेंट्स है वे अपने अलग तरीके से कानून का निर्माण करना, कर लगाना और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिनका अपना अपना एक क्षेत्राधिकार होता है। ये नहीं है कि राजस्थान की गवर्नमेंट पंजाब के ऊपर रूल बनाएगी या पंजाब की गवर्नमेंट गुजरात के ऊपर रूल बनाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अलग ज्यूरिडिक्शन है। गुजरात की अलग ज्यूरिडिक्शन है और राजस्थान की अलग ज्यूरिडिक्शन है। वहाँ के जो गुजरात के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वे गुजरात की गवर्नमेंट का फॉलो करेंगे। राजस्थान के जो सिटीजन्स हैं वे राजस्थान के रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, लेकिन गुजरात और राजस्थान का जो नागरिक है, जो दोनों स्टेट्स के जो लोग हैं, वे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फॉलो करेंगे। नंबर थर्ड, the existence and the authority of each tiers of government is constitutionally guaranteed, संवैधानिक गारंटी देना, संवैधानिक रूप से गारंटी देना।
द असिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ दिस टीयर्स, कह रहे कि जो गवर्नमेंट्स का जो टीयर्स है, जो लेवल्स है, चाहे वे थर्ड लेवल हो, सेकंड लेवल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हो, उनका अपना अपना उनको जो राइट्स मिले हुए हैं वे एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देती है, क्योंकि उनको जो पावर्स मिली है, जो राइट्स मिले हैं वे संवैधानिक राइट्स मिले हैं, इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान करती है। फॉर द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो है, डिफरेंस लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट्स है, उनके अपने अपने अधिकार हैं, अलग अलग क्षेत्र अधिकार हैं, साथ में जो भी एक उस नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती। ये नहीं कि किसी नागरिक को जैसे फंडामेंटल प्रदान किए गए इंडियन सिटीजन्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के व्यू से उसको उसके बारे में डिस्कशन करना कंपल्सरी होगा। द चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर, जो संविधान के द्वारा संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कोई एक सरकार उन अधिकारों को चेंज नहीं कर सकती जबकि दूसरी सरकार से समझना जरूर। कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों तरह की सरकार आपस में डिस्कस करने के बाद ही ऐसा। मार्केट कॉस्ट प्ले की रोल टू इंटैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन एम्पायर। एंड एम्पायर कॉस्ट प्ले की रोल टू इंटैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल, की जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट्स है, जैसे होल कंट्री की गवर्नमेंट्स, स्टेट की गवर्नमेंट्स, स्टेट मीन्स प्रोविंसियल से कोई एक प्रांत, या किसी थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट्स है, उस गवर्नमेंट्स के लिए बताया कि जो कोर्ट्स होते हैं, जो अदालतें होते हैं, अदालतों को उन सरकारों के कार्यों में न्याय कार्य करने का उनको अधिकार होता है। कोर्ट्स को कोई भी किसी भी लेवल की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, तो उसके ऊपर अदालतों को यह अधिकार है कि उसमें अपने इंटैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट, कि संविधान के अनुसार भी शासन व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है, इस प्रकार से उसका चेक कर सकता है, उसको देख सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट्स संविधान के अनुसार रूलिंग नहीं कर पा रही है तो उसको बैन कर सकता है, उसको रोक सकता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट प्ले द रोल ऑफ द एन एम्पायर, लेकिन सभी जो निर्णायक है, जो निर्णय है, वे सुप्रीम कोर्ट का सबसे सर्वमान्य निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वे अंतिम फैसला होगा, जैसे एन एम्पायर के रूप में काम करेगा, जैसे क्रिकेट खेलते समय जब दो पार्टियां, दो पारीज में जब क्रिकेट खेलती है दो टीम, तो उनका निर्णय करने वाला एक एम्पायर होता है, वे सही जजमेंट्स देता है। इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वे
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उन सभी का जो निर्णायक होगा एक एम्पायर होगा वे सुप्रीम कोर्ट होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अंतिम फैसला होगा वे सुप्रीम कोर्ट का ही मान्य होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। नंबर सिक्स, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली मेंशन टू द एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वित्तीय सहायता, ऑटोनॉमी सहायता कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर क्लियरली मेंशन कि प्रत्येक जो टीयर्स है, जो गवर्नमेंट्स का जो प्रत्येक स्तर है उसका अपना जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स राजस्व जिससे इनकम प्राप्त होती है उस स्टेट को, तो उसके रेवेन्यू जो क्षेत्र है वे भी अलग अलग होगा, अलग अलग रेवेन्यू होगा। उसके अंदर मेंशन किया गया है गवर्नमेंट्स आर क्लियरली मैंडेट टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उसकी वित्तीय सहायता प्राप्त है। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अपने रेवेन्यू का अलग उसको डिपार्टमेंट दिया गया है कि वे किस किस को ऊपर अपने कर लगा सकती है, कहां से रेवेन्यू प्राप्त करती है राजस्व, इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के कौन कौन से मद है जिससे वे अपने शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसके यानी कि आय का साधन बने, एक सोर्स बने, सोर्स बने। तो इसमें बताया कि सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन्ड, यानी कि क्लियरली उसको निश्चित किए गए हैं कि किसके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाएगी और कौन से उसके यानी कि रेवेन्यू कहां से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हर गवर्नमेंट्स को अपना अपना राइट्स है। जैसे मान लीजिए कोई एक रूरल एरिया है और रूरल एरिया के अंदर जो प्लांटेशन है नेशनल प्लांटेशन है, या हम कह सकते हैं कि वहां की जो लैंड है वहां उसके ऊपर अधिकार उस पंचायत गवर्नमेंट्स का होगा। एक स्टेट की बाउंड्री में आने वाले जितने भी जैसे खनन कार्य है माइनिंग से उस स्टेट गवर्नमेंट्स का उसके अंडरटेकिंग हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, लेवल से अपने रेवेन्यू के अलग अलग उसको मेंशन किया गया इन सब। सेवन, द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्ट्स, ड्यूल ऑब्जेक्ट्स, ड्यूल ऑब्जेक्ट्स माने दोहरा उद्देश्य। जो हमारी फेडरलिज्म है, फेडरल जो गवर्नमेंट्स है जिसको हम संघीय सरकार कहते हैं, इसका दोहरा उद्देश्य है। इस गवर्नमेंट से क्या है, दोहरा उद्देश्य है। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्ट्स, ड्यूल ऑब्जेक्ट्स है कैसे, दैट्स मीन टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमारी जो फेडरल जो गवर्नमेंट्स है, जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स है, उस फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स के ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स है, दोहरे उद्देश्य है। कौन से दोहरे उद्देश्य है, सबसे पहले सेफ गार्ड एंड प्रमोट सेफ गार्ड, हमारे देश की यानी कि उससे सेफ गार्ड होती है क्योंकि कंट्री पूरे होल कंट्री का सेफ रखेगा। उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट अपने स्टेट का जो सीएम है तो वे अपने कंट्री अपने स्टेट की अपने प्रांत की सुरक्षा रखेगा। इसी प्रकार से यूनिटी ऑफ द कंट्री और किसी भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा।
किसी भी देश के विभाजन से टुकड़े होने से बचाएगा। तो ये सबसे अच्छा इसका ड्यूल ऑब्जेक्ट्स है। फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स का ड्यूल ऑब्जेक्ट्स यही है कि वे संविधान के अनुसार और जो उसको पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पावर्स के अनुसार एक कंट्री और ये जो प्रोविंशियल्स है या रीजनल है वे अपने अपने स्टेट की सेफ गार्ड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या जनरल गवर्नमेंट पूरे कंट्री की करेगा और साथ में उससे देश की अखंडता बनी रहेगी और देश के टुकड़े होने से बचेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसके ये इसके फीचर्स है। नेक्स्ट 8 नंबर, एट द सेम टाइम इट अकोमोडेट्स रीजनल डायवर्सिटी एंड आइडियल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। फेडरलिज्म की जो हम कह सकते हैं इसका जो कॉन्क्लूजन है एक तरह से जो इसका जो एक फीचर्स है, तो एट द सेम टाइम यानी उसी समय समान परिस्थिति में अकोमोडेट रीजनल डायवर्सिटी, अगर क्षेत्र के अंदर किसी एक कंट्री के अंदर डायवर्सिटी है तो उसमें आपस में अकोमोडेशन करेंगे, समान समझौता करेंगे। जैसे हमारे देश के लेते हैं, भारत देश के अंदर हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्य हैं, सबकी समय यानी कि जैसे कल्चर है, लैंग्वेज है, उसका खान पान है, वेशभूषा है, उसमें डायवर्सिटी है। लेकिन सभी जो स्टेट्स हैं अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार अपने जो कल्चर्स है उसको यानी कि वे प्रमोट करते हैं। तो इसमें बताया कि अकोमोडेशन रीजनल डायवर्सिटी, जो भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न जो प्रांतों की जो डायवर्सिटीज है उसको हम एक मानेंगे, हम उसको समझेंगे, अकोमोडेशन करेंगे। ये नहीं कि जैसे तमिलनाडु के या कर्नाटका के जैसे खान पान वेशभूषा लैंग्वेज अलग है, राजस्थान गुजरात की पंजाब की नॉर्थ इंडिया की अलग है, तो ये यदि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडियन से डायवर्सिटी बनाए रखे तो ऐसा नहीं है। हमको सबको एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान को एकता बनाए रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करना है। तो क्या कह रहे हैं, अकोमोडेशन रीजनल डायवर्सिटी, जो हमें क्षेत्रीय जो विभिन्नता है उसको एकता को बनाए रखना है। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम, और एक आदर्श संघीय शासन की व्यवस्था करना। एंड आइडियल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और आपस में एक दूसरे का पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, और आपस में ऐसा समझौता होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि ताकि ये टू लिव टुगेदर, ताकि वे साथ साथ रह सकें, ताकि वे साथ साथ रह सकें, नहीं आपस में यानी आंतरिक भाव में एक दूसरे से विश्वास परिपक्व होना चाहिए। जैसे हमारा भारत देश इसके लिए बहुत महान देश है, बहुत अच्छा हमारा कंट्री में ऐसा है कि हमारा भारत देश एक विशाल देश है और डायवर्सिटी है, नॉर्थन इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया अगर देखते हैं तो डायवर्सिटी है। लेकिन हमें अकोमोडेशन है, समझदारी है, एक दूसरे में म्यूचुअल ट्रस्ट है और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और हम साथ साथ रहने, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हम उसके रूल रेगुलेशन का फॉलो तो कर रहे हैं, साथ में जो अपने अपने स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, जो एक प्रांतों की जो सरकार है उसके भी रूल रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में ये था हमारा की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म्स, कि एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम किसे फेडरलिज्म कंट्री या किसे फेडरल गवर्नमेंट्स बोलेंगे। तो अगर ये सभी फीचर्स किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट्स में मिलती है
दैट इज कॉल्ड द फेडरल या फेडरिज्म गवर्नमेंट, हम उसे संघात्मक या संघीय सरकार को जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज और कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।